केही दिन अघि मधेसी सांसद सरिता गिरीले प्रतिनिधि सभामा हिन्दी भाषामा सम्बोधन गरेको तथा नेपाली सेना र नेपालले हालै जारी गरेको नक्सा सम्बन्धमा भारतलाई सोध्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सांसद गङ्गा चौधरीले सरिता गिरी भारतीय चेली भएको र भारतकै पक्ष पोषण गरेको संसदमै बताइन्। सरिता गिरी नाम नेपालको जस्तो लागे पनि उनको जन्म थलो नेपाल होइन, उनी विवाहपछि नेपाली अङ्गीकृत नागरिक भएकी हुन्। अङ्गीकृत नागरिक सदनमा पुगेपछि भएको लफडा हो यो, तर सदनमा अङ्गीकृत नागरिकताधारी उनी मात्र होइनन्, प्रायजसो मधेसी सांसद अङ्गीकृत नागरिक भएको पटक पटक सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा कुरा उठ्दै आएको छ। अर्का नेता राजेन्द्र महतोले त आफूले सर्लाहीबाट नागरिकता लिएको एक वर्षपछि आफ्नो बाबुलाई नागरिकता दिएको बताइन्छ। सरिता गिरी सम्बन्धमा संसदमा उठेको कुनै पनि कुराको प्रश्न उठाउन नपाइने कानुनी प्रावधान छ, तर राष्ट्रिय स्वाधीनता अखण्डता तथा सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गर्ने संविधानले पटक्कै छुट दिएको छैन। उनले प्राइम टेलिभिजनमा वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा हिन्दी भाषा मधेसको भाषा भएको तथा मधेस छुट्टै राज्य नै भएको जस्तै गरी अन्तर्वार्ता दिएकी छिन्। साथै नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको नक्सा सम्बन्धमा लिम्पुवाधुरा कालापानी क्षेत्र नेपालको हुँदै नभएको बताइन्। उनले सदनमा गङ्गा चौधरीले कसैको इसारामा बोलेको भनिन्, तर उनले चाहिँ कसको इसारामा यी कुराहरू बोलेकी हुन् आम जनसमुदायलाई बुझ्न खासै गाह्रो नहोला। प्रस्तुत छ उनको यी दुवै भिडियो। अनुदानसँग जमिन स्वाभिमान र राष्ट्रियता कदापि साथ नमिल्दैन, सीमा विवाद। नेपालमाथि भारतको दादागिरी नमिचिएको ठाउँ छैन, नहपिएको ठाउँ गाउँ छैन भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो रे, आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहासँग सोध्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना सभामुख महोदय। जब यो देशका प्रधानमन्त्री एउटा सपना योजना फ्याँक्छन् अनि रहेका एजेन्टहरू 15 दिनसम्म घाइते हुन्छन् अनि त्यो सपनाको विरुद्धमा सम्पूर्ण शक्तिहरू लगाएर ब्रुक्क ब्रुक्क उफ्रन थाल्छन्। सामान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रको सवालमा अब बोलाई र गराई समानता कायम गर्न धेरै मै हुँ भन्नेहरूलाई पनि हाम्मे पर्न देखिन थालिसक्यो। मन र विचार अशुद्ध हुनेको मन्तव्य अन्तर्वार्ता र लेखका अंशबाट पनि आम जनताले समेत स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न थालिसके। विगतमा नक्कली राष्ट्रवादको खोल ओढ्नेहरूको मुकुण्ड पनि टिनलाई खडा गर्ने र उचाल्नेहरूबाट नै पर्दा फाँस हुनेछ। मेरी अनुपस्थितिमै वहाँ पे हाम्रो संसदकै एक माननीयजी नै जो मंतव्य दिया उसको घृणा का मंतव्य कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको हेट स्पीच कहा जाता है सभामुख महोदय, क्योंकि उन्होंने रगत उमलने की बात कही। उन्होंने अपने पद मेरे पद का मर्यादा नहीं होता तो मैं भौतिक रूप से भी आक्रमण कर सकती थी ये बात कही, और भारतीय चेली नेपाल के संसद में आके दादागिरी करती है ऐसी बात कही। सभामुख महोदय, मैं वैसी भाषा प्रयोग नहीं करूँगी, मैं प्रेम से अपनी बात कहूँगी सभामुख महोदय, और मैं बहुत प्रेम और सद्भाव और आग्रह के साथ ये कहना चाहती हूँ कि इस मंतव्य को रिकॉर्ड किया जाए और नेपाल के कानून के अनुसार यह हेट स्पीच कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त होता है। और मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराती हूँ, गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षण कराती हूँ कि इसको रिकॉर्ड में लेके और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मैं दूसरी बात कहती हूँ सभामुख महोदय कि पूरे संसद पे की मर्यादा पे और उसके सार्वभौम सत्ता पे आक्रमण हुआ है, इसलिए ऐसे हेट स्पीच को संसद के रिकॉर्ड से हटाया जाए। जब तक ये संसद का रिकॉर्ड पे बना रहेगा इस देश में विभाजन की दरार वहीं से शुरू होगी, क्योंकि यहां पर अगर ये संसद के सार्वभौम सत्ता पे संसद में ही जासूस कहने की बात की जाती है, संसद में दादागिरी चलाने की बात की जाती है सभामुख महोदय, ये सिर्फ किसी मान्य पे नहीं, ये पूरे संसद पे आक्रमण है। सभामुख महोदय, मैं क्षमा चाहती हूँ कि हमारे माननीय जी भी संसद का वक्तव्य पढ़ के अपना वक्तव्य देती हैं या मीडिया में जो प्रायोजित ढंग से वक्तव्य आता है उसको कहती हैं। मैंने कहा है भारत और चीन दोनों देश के साथ संवाद करके बात आगे बढ़ाई जाए, और थोड़ी देर के बाद मीडिया ने भारत लाई न सुधीकरण नक्शा बना बनाने ये कहा कि प्रायोजित किया, उन्होंने भी उसी मंतव्य को पढ़ा है सुना है और उसके बाद अपनी धारणा व्यक्त करती हैं। कम से कम हम लोग सभासद लोग जब बोलते हैं तो वस्तुगत तथ्य और प्रमाण के आधार पर बोलें, जब बाहर के जनता की हल्ला होती है उसी के हल्ला में हम लोग जाएंगे तो हम लोग देश का नेतृत्व कैसे करेंगे। मैं जो दूसरी बात महत्वपूर्ण बात उठाना चाहती हूँ यहाँ पर,
हमारे माननीय जी ने एक बात तो अच्छा ही कहा, भारतीय चेली को भारतीय दलाल बोलते बोलते चेली कहा, महिला है सहानुभूति होगी इसलिए इज्जत बढ़ाया है, लेकिन फिर भारतीय जासूस करके उन्होंने सब पे पानी फेर दिया। मुझको भी मालूम है सभामुख महोदय, उनके पति राप्ती जिला के दांग जिला के राप्ती गांव पालिका में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके गांव पालिका के निर्वाचन में भारतीय रुपया बांटा गया। बाद में जब गांव वालों ने पकड़ा कि नहीं ये भारतीय रुपया तो उत्तर की छिमे के चीन की तरफ से बांटा गया है, तो कहीं इस संसद में बिना किसी बड़ी शक्ति के आरोप के बिना उनको कैसे हिम्मत हुई, कहीं हमारे उत्तरी छिमे की चीन के पे तो उन्होंने एक भारतीय चेली पे आरोप नहीं लगाया है। भारतीय चेली ऐसे नहीं आई है सभामुख महोदय, नेपाल के कानून के अनुसार आई। और मैं एक बार और कहती हूँ, मैं नेकपा पार्टी के संसदीय दल के नेता और नेकपा पार्टी के अध्यक्ष और नेतागण से कहती हूँ, मैं महत्वपूर्ण बात कहने जा रही हूँ सभामुख महोदय, इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास की जानकारी हमसे ले, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ठीक से प्रशिक्षित करें, हिंदी का नेपाल में क्या स्थान है और हिंदी का यहाँ पे क्या संबंध है वो उनको बताएं, ताकि उनका रगत नहीं उमले, रगत बुद्ध के संतान का रगत नहीं उमलना चाहिए सभामुख महोदय। और रगत तो बहुत का उमलता है, जब मधेसी को भारतीय और भारतीय को मधेसी बनाया जाता है तो बहुत लोगों का खून उमलता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही चांदी के चम्मच में हम लोगों को किसी ने सभासद का सदस्य नहीं दिया है। जनता के बीच में संघर्ष करते 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 हम लोग आए। और अंत में एक बात और मैं कहूंगी, नागरिकता के विषय में उन्होंने कहा है कि हम लोग क्यों राष्ट्रपति होंगे, हम लोग समय सकी सके, मैं एकदम खत्म कर रही हूँ, महत्वपूर्ण बात है, तो मैं भी ये चुनौती देती हूँ, मैं चुनौती देती हूँ कि 2072 साल के संविधान बनाने वक्त जब मधेसी सड़क पे थे तो उन्होंने आर्टिकल 279 लाके हमारे हाथ और पैर में जंजीर बांधी है, जंजीर जब तक रहेगी तो हमारा संघर्ष रहेगा, और हिम्मत है तो वो जंजीर को हटाइए और तब हम साथ मिलके नेपाल बनाएंगे, नहीं तो ये बात तो चलती रहेगी सभामुख महोदय। मैं फिर से कहती हूँ कि इसको सभामुख महोदय रिकॉर्ड से हटाया जाए, मैं ये मांग करती हूँ जब तक इसके बारे में ये घृणा का स्पीच इसको रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाएगा, मैं क्षमा चाहती हूँ, हम लोग संसद को ठीक से सुचारू रूप से आगे बढ़ने में देने में असमर्थ हैं सभामुख महोदय। व्यक्तिलाई लिएर निकै कटाक्षहरू आलोचनाहरू पनि भएको छ, नभएको होइन, तर सरिता गिरीले किन हिन्दी भाषा सदनमा बोलिरहनु भएको छ त? हाम्रो बीचमा जनता समाजवादी पार्टीका नेत्री र पूर्व मन्त्री सरिता गिरी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। सरिताजी आरोप हुनुहुन्छ, तपाईँमाथि त आक्रमण सुरु भयो नि पछिल्लो समय, तपाईँले किन हिन्दी भाषा बोल्नुभयो? नेपालको पार्लियामेन्टमा नेपाली भाषा बोल्दा हुन्थेन? हिन्दी नेपालको भाषा हो र हामी नेपालको संसदमा 2047 सालदेखि हिन्दीमा बोलिराखेका छौँ। नेपालको संविधानमा कतै पनि लेखेको छैन कि हिन्दीमा बोल्नुहुन्न, र पछिल्लो जनगणनामा चाहिँ हिन्दी चाहिँ नेपालमा बोलिने भाषा हो, 123 कि 125 भाषामध्ये 19 नम्बरमा चाहिँ हिन्दी हो। हिन्दीसम्म नेपालीहरूले जहिले पनि नेपाली भाषा बोलिरहेछन्, राष्ट्रिय भाषा हो, सबैले मानेको भाषा, साझा भाषा। म एउटा प्रश्न सोधौँ, आज तपाईँ मधेसमा जानुहोस् त, राजा महेन्द्रले चाहिँ तपाईँको 1960 हिन्दी प्रतिबन्धित गरे, पहिला हिन्दीमा त्यहाँ पढाइ हुन्थ्यो, सरकारी कार्यालयमा कामकाज हुन्थ्यो, तर आज पनि मधेसका व्यक्तिहरू कति सहज ढङ्गले हिन्दीमा कुरा गर्छन्, किन? किनभने हिन्दी उहाँहरूको जिनमा छ। तर नेपाली पनि छ नि त, नेपालीहरूको जिनमा नेपाली छ, तर मधेसको जिनमा हिन्दी छ। मधेस पनि त नेपालको भूभाग हो नि त सायद, तर मधेस मधेस हो, कसरी मधेस मधेस हुन्छ? तर मधेसको आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भाषा, आफ्नो वेशभूषा फरक छ। फेरि तपाईँले हिन्दी भाषा बोल्दाखेरि धेरै आलोचना भएको छ नि त विगतदेखि आजसम्मको, धेरै समर्थन पनि भएको छ, कहाँ भएको छ समर्थन भएको छ? देखाउनुहोस्, तपाईँ हेर्नुहोस् सोसियल मिडियामा आज कसले समर्थन गरेका छन्, तपाईँ सोसियल मिडियामा हेर्नुहोस्, तपाईँ सिकेलालजीको लेख आइसक्यो त्यो हेर्नुहोस्, दिपेन्द्र झाजीको लेख आइसक्यो त्यो हेर्नुहोस्, र होल पुरा एन्टायर युथ अहिले के बुझिसके, ओहो हिन्दीमाथि किन आक्रमण हुन्छ भने यो हाम्रो राजनीतिक शक्तिको प्रतीक हो, यो राजनीतिको क्षेत्रमा संसद एउटा राजनीतिक थलो हो, यो त हाम्रो शक्तिको प्रतीक हो भनेर हामी माथि आक्रमण भइरहेछ। होइन, संसद त जनताको प्रतिनिधिले बोल्ने ठाउँ हो नि त, थलो हो नि त, होइन साझा, संसद विभिन्न व्यक्तिहरूको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हो, अनि जनताको प्रतिनिधिले त जनताले के चाहेका छन्, जनता कुन भाषा बढी बुझ्छन् तपाईँलाई थाहा छैन, नेपाली भाषा बढी बुझ्छन् नि नेपाली जनता, त हिन्दी भाषा बढी बोल्छन् म भन्दैछु भने तपाईँ मान्नुहुन्छ? हिन्दी
मधेशको सम्पर्क भाषा हैन मधेशको होला तर समग्र देशको भाषा हो नि त यो भाषा नेपाली र मधेशको बीचको सम्पर्क भाषा हिन्दी खस भाषाको उदय हुनु भन्दा अघि यहाँ लिच्छवी कालदेखि यो स्थानमा यो काठमाडौँमा प्रयोग भएको भाषा हिन्दी आज नेपालीहरूको जनजीविकाको भाषा चाहे भारतमा लाखौँ नेपाली गएर कमाउन् या फेरि मिडल इस्ट कन्ट्रीमा जाउन् उहाँहरूको बोल्ने भाषा हिन्दी हो होइन हिन्दी भाषालाई आज तपाईँले जसरी बखान गरिरहनु भएको छ व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु भएको छ नेपाली जनताले मन पराएको छैन नि तपाईँको शब्दलाई नेपाली भाषीहरूले मन पराएका छैनन् समग्रताको मतलब विविधता हुन्छ हामीले समग्रता विविधतामा खोज्नुपर्छ त्यसैले हिन्दी र नेपाली दुवै नेपालको भाषा हो र दुवै भाषालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ यसको चाहिँ सम्मानित स्थान हुन्छ त्यसमा तपाईँले नेपाली भाषा बोल्नुहोस् न त पार्लियामेन्टमा मैले भनिहाले आजबाट म नेपाली भाषा बोल्छु किन नेपाली जनताको त्यो राजनीतिक स्थल हो र हामी यही हिन्दी भाषा नेपालको भाषा हो यो राजनीतिक मागसँग चाहिँ सद्भावनाले सङ्घर्ष गरेको अनि गर्दा 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 हामी संविधान सभामा आयौँ संविधान सभा एकमा हामीले हिन्दीमै शपथ ग्रहण गरेका छौँ मन्त्री भएर पनि हिन्दीमा शपथ ग्रहण गरेका छौँ हिन्दीमा बोलिराखेका छौँ त्यसैले हिन्दी पनि नेपाली होइन तपाईँकै पार्टीका शीर्ष नेताहरू बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादवले त हिन्दी बोल्नुहुन्न बाबुराम भट्टराई राजेन्द्र श्रेष्ठले त हिन्दी बोल्नुहुन्न अब हेर्नुहोस् कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद तपाईँको जय होस्